आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल के आटे का झटपट और टेस्टी नाश्ता। इसे बनाने में मैक्सिमम आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और जब आप ये किसी गेस्ट को खिलाएंगे ना तो हर कोई आपसे रेसिपी पूछेगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। चावल के आटे का झटपट नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप चावल का आटा लिया है। चावल का आटा किसी भी किराने दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो यहाँ पे 1.5 कप चावल का आटा डाला मैंने। फिर हम इसमें 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो डाल देंगे। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो उसकी जगह अजवाइन यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो उसकी जगह लाल मिर्च का पाउडर यूज़ करें। अब हम इसमें हरी सब्जियाँ डालेंगे, तो हरी सब्जियों में मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च, गाजर, प्याज लिया है, गोभी को घिस के लिया है, धनिया पत्ता लिया है। इन सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें मूली वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कोई और भी सब्जी पसंद है तो, और अगर इसमें से कोई सब्जी आपको नहीं पसंद है तो उसे हटा भी सकते हैं। तो जो भी आपके पसंद की सब्जियाँ हैं उसे बारीक काटे या फिर घिस ले और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। आप इसमें हरा बीन्स डाल सकते हैं, उसके साथ पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, उससे भी ये बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे ये सारी सब्जियाँ डाल दी मैंने। इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, तो स्वाद के अनुसार या फिर 1 बड़ा चम्मच नमक डाल दें। नमक डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दें और इसके बाद इन सबको मिला देना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। तो पहले आटे में हम इन सारी चीज़ों को मिला देंगे और उसके बाद पानी डाल के हम इसका एक डो बना लेंगे। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पानी यूज़ किया है मैंने। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। हमें इसका डो जो है वो थोड़ा कड़ा रखना है। तो यहाँ पे पानी डाल के इसे मैंने मिला लिया है। तो यहाँ पे और पानी की ज़रूरत नहीं है, तो पानी मैं हटा देती हूँ और उसके बाद इसे ऐसे हथेलियों के पीछे से थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे रोटी या चपाती का डो बनाते हैं ना, वैसे इसका डो बना लिया मैंने। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, जहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा है। डो को रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसे बना लेंगे। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा डो का हिस्सा लेंगे और उसके बाद ऐसे रोल करें। अगर ये हथेलियों पर चिपकता है तो थोड़ा सा पानी या तेल लगाएं और उसके बाद इसे हथेलियों पर रोल करके हम इसे चपटा कर लेंगे, जैसे टिक्की बनाते हैं ना, उसे थोड़ा सा बड़ा और पतला बनाएंगे। तो यहाँ पे ये एक टिक्की मैंने बना लिया है, गर्म तेल में डाल देंगे। सेम प्रोसेस से बाकी की टिक्कियाँ बना लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसे नहीं तलें। तो यहाँ पे ये दूसरी टिक्की आप देखिए, इसे ऐसे चपटा कर लेंगे और इसके बाद हम इसे ऐसे गर्म तेल में डाल देंगे। अगर आपको इसे और पतला करना है तो आप इसे रोल कर सकते हैं प्लास्टिक रख के, और उसके बाद पतला जैसे पूरी रोल करते हैं, यानी कि जैसे हम मक्के की रोटी बनाते हैं ना, वैसे आप इसे रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डाल दिया मैंने। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। तो बीच बीच में आप इसे पलटते रहें और थोड़ी देर बाद हम इसे वापस ऐसे पलट देंगे। अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो मीडियम फ्लेम पे इसे आप ऐसे दोनों साइड से पका लें। 4-5 मिनट बाद हम देखेंगे कि इनका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो बस इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, हम इन्हें गर्म तेल से निकाल लेंगे और उसके बाद आप इसे पेपर किचन टॉवल पे निकाल लें। उससे क्या होगा, जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और सेम प्रोसेस से बाकी की टिक्कियों को हम फ्राई कर लेंगे। तो इस बार जो सेकंड बैच में मैं टिक्की बनाऊंगी ना, उसे मैं थोड़ा पतला करूंगी। तो ये देखिए, ये दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले हमने टिक्की बना लिया, उसके बाद ऐसे चारों उंगली के बीच में ऐसे रख के और उसे चपटा कर लें। आप इसे जितना चपटा कर सकते हैं या जितना पतला कर सकते हैं, वो इतनी ही क्रिस्पी बनेगी। आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगा। ये ऊपर से क्रिस्पी रहेगा और अंदर से हमने इसमें बहुत सारे फ्लेवर ऐड किए हैं, तो खाने में बहुत ही मज़ेदार रहता है। इसे आप केचप के साथ खा सकते हैं, तीखी हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर सालसा के साथ खा सकते हैं। सबके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये दूसरी पूरी जो है मैंने तल ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो बस थोड़ा सा और पका लेंगे और ये ऑलमोस्ट हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टिक्की नहीं, ऐसे पूरी जैसे बनाई है, जैसे मठरी वगैरह बनती है। तो जैसा शेप आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसे बना सकते हैं। दिखने में ये जितना कलरफुल है, खाने में उतना ही मज़ेदार है। तो सर्व करने के लिए आप इसे तीखी हरी चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। तो ये हमारा चावल के आटे का झटपट नाश्ता रेडी हो चुका है, जिसे बनाने में मैक्सिमम आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और जब आप इसे गेस्ट को सर्व करेंगे ना, तो सब इसकी रेसिपी पूछेंगे आपसे। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।